यह कैसा प्रजातंत्र है? क्या प्रशासन की योजना खोखली है या ये पंचायत कर्मी खोखला कर रहे हैं? यह तो जनपद बुढ़ार की ग्राम पंचायत मझोली से अंदाजा लगाया जा सकता है, पर जिले में बैठे उच्च अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद भी कार्यवाही के नाम पर अपनी आंखें बंद करते दिख रहे हैं। ग्राम पंचायत मझोली में लाखों का घोटाला सामने आया है, जो कार्य के नाम पर सचिव अरुण सिंह, सरपंच व रोजगार सहायक की मिलीभगत से कई कार्य किए गए। जब इसकी जानकारी सूचना अधिकार के तहत मांगी गई, तो पंचायत से लेकर जनपद तक सब चुप्पी साधे हुए हैं। ग्राम पंचायत मझोली का भ्रष्टाचार उजागर होते ही रोजगार सहायक पति के द्वारा पत्रकार को रात में फोन लगाकर गाली गलौज व धमकी देना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक से लेकर उच्च अधिकारियों तक की। पर एक कैसा प्रजातंत्र है जो आईना दिखाता है उसी को धमकियां मिलती है। जब पत्रकार ने मझौली सरपंच से पत्रकार के ऊपर लगाए गए आरोप के बारे में ग्राम सभा में पूछा, तो सरपंच ने चुप्पी साध ली। ऐसे हैं सरपंच जो पत्रकार पर पैसा मांगने का झूठा आरोप लगाया। पंचायत के भ्रष्टाचार को आवेदक के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, पर जनपद पंचायत बुढ़ार में बैठे अधिकारियों के द्वारा बिना निराकरण के ही निराकरण कर दिया गया। ग्राम पंचायत मझोली में खुल के गुंडाराज चल रहा है। सहायक सचिव पति के द्वारा चोरी के रेत से लेकर कई मामले हैं, जिसकी जानकारी आवेदक ने लिखित शिकायत की है, पर सरपंच सचिव इस भ्रष्टाचार में खेल खेलते दिख रहे हैं। कुछ ही दिन पूर्व जेतपुर विधायिका मनीषा सिंह ने ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार में कार्यवाही करने की बात कही थी, पर शायद वह उस वक्त कहकर भूल गई। जनपद पंचायत बुढ़ार सीईओ को कई बार जानकारी दी गई, पर शायद अधिकारी कार्यवाही से बचते दिख रहे हैं। आवेदक लगातार जानकारी के लिए जनपद के चक्कर लगाते दिख रहे हैं। मेरा नाम राम राकेश बैगा। कहाँ के हैं? मैं मझौली से, ग्राम पंचायत मझौली। क्या है ग्राम पंचायत मझौली के सरपंच? ग्राम पंचायत मझौली के सरपंच हैं जी। अच्छा, ये अभी आज बैठक किस चीज़ की रखी गई है? ये योजना के तहत पशु शेड है, जैसे मान लीजिए आवास अभी चल रहा है वर्तमान में इन्हों चीज़ों का। इस समय पर अपन आवास जिसका आया है कंप्लीट करवाएं जल्दी से जल्दी। और पशु शेड है, अभी तक कितने लोगों को लाभ दिया गया होगा ग्राम हरेडी से? ग्राम हरेडी से करीब तो कितना होगा लगभग आवास में 15-16 लोग होंगे। 15-16 लोग को? अच्छा, और क्या क्या लाभ इन लोगों, क्या क्या योजना का लाभ दिया जा रहा है? मेड़ बंधान है। अभी कितने लोगों को किया गया होगा मेड़ बंधान? अभी वर्तमान में भी चल रहा है ना, वर्तमान में चल रहा है। कहाँ? ग्राम हरेडी में? ग्राम हरेडी में और मझौली में चल रहा है, अपने मझौली ग्राम पंचायत में भी चल रहा है और हरेडी में। ग्राम पंचायत मझौली सुर्खियों पे है सरपंच साहब, लगातार खबरों के माध्यम से, हर एक पत्राचार के माध्यम से सुर्खियों पे है भ्रष्टाचार को लेकर के, इस पे क्या कहना आपका? भ्रष्टाचार कहाँ पर है यार? भ्रष्टाचार देखिए, जो सही वो है ना, तो वास्तविकता मार्गदर्शन देना चाहिए पब्लिकों को। अभी कुछ दिन पूर्व एक पत्रकार के ऊपर आरोप लगाया गया था कि 40,000 रुपये मांगने का, इस पर क्या कहना है आपका? इसमें तो जो होगा तो वास्तविकता होगा भाई। नहीं, क्या वास्तविकता क्या है? इस पर आरोप लगाया गया था सरपंच सचिव के द्वारा, क्या था ये थोड़ा सा? इसके माध्यम से अभी मैं बात नहीं करूँगा। अभी क्या ऐसा कुछ था क्या कि इसमें पैसे की मांग डिमांड की गई थी कुछ में इसी पे अभी जो आरोप लगाया गया था? देखिए, अभी इसके विषय में मैं कुछ चर्चा नहीं करना चाहूँगा। हाँ। इस मैटर में हाँ। रोजगार सहायक पति के द्वारा गाली गलौज किया गया था पत्रकार को, इस पे आपने क्या कार्रवाई की? इसके विषय में मेरे को जानकारी नहीं है। क्यों, आपने स्वयं जाके चौकी में आवेदन दिया था? नहीं, इसके विषय में मेरे को जानकारी नहीं है कि पत्रकार को गाली गलौज दिया गया है या कि नहीं। चौकी में आप आवेदन देने गए थे? चौकी में आप बताइए कि इसके विषय में भी मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तो चौकी में आप आवेदन देने गए थे या नहीं? आप चौकी में आवेदन देने गए थे कि नहीं? हाँ, आवेदन दिया गया था। किस चीज़ का आवेदन? इसी के बताइए कि छोड़िए, हो गया, जाने दीजिए,
जो हो गया नहीं नहीं थोड़ा बताइए, कैमरा चालू है यहाँ पर, लोग भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बता दें। पब्लिक भी है, आप भी हैं, कैमरा भी चालू है, इसके मैटर में अभी मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आपके द्वारा आवेदन दिया गया था या नहीं? दिया गया था। किस चीज का आवेदन था? पैसे की डिमांड के लेकर के। हाँ, बस किसने मांगा था पैसे की डिमांड? हो गया, जाने दीजिए, मैं अब आगे बात नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा। बस अब चलिए, क्या नाम बताए थे अपना? मेरा नाम राम राकेश भाई। ग्राम पंचायत मझौली। या गया, मैंने कलेक्टर से लेकर के एसपी से मैं मुख्यमंत्री तक के लिए आवेदन किया हुआ हूँ, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही मैडम? अब उसमें देखना पड़ेगा, देखिए है ना, हर एक बात के लिए थोड़ा सा डिटेल से समझना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ कह पाएंगे। ठीक मैडम।